ओके सो गाइज़ ये फाइट की हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से ये फाइट हो रही है देख सकते हो डी के प्लेयर्स यहाँ पर नॉक भी पड़े हैं रिवाइव भी हो रहे हैं फैल्कन का एक प्लेयर इस घर के अंदर है इस घर से वो तुम सब लोग आई एम प्रटी श्योर यू नो नोन हो ही एंड डी आर के एक प्लेयर ने ऑब्वियसली रश किया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फैल्कन का प्लेयर ही इज़ जस्ट गेटिंग रेडी टू जस्ट मेक श्योर कि उसको पता है कि भाई उसको क्या करना है एंड कैसे लेनी है फाइट एंड दिस इज वेर वी सी फैल्कन के प्लेयर को टू गेट रेडी कि भाई अगर कोई यहाँ से आएगा ही नो उसके भाई इस पूरी डायरेक्शन से फाइट उसको प्रॉपरली लेनी है यहाँ बनाने का एक ही तरीका है एंड वहीं पर उसने प्लेयर्स को स्पॉट डाउन कर लिया थोड़ा सा स्लो कर लेते सो दट वी अंडरस्टैंड एक्जैक्टली लाइक यू नो वट इज हैिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज चारों प्लेयर्स यही है डी आर एक्स के दो इधर और दो इस घर में एकदम नीचे की तरफ को बैठे हुए हैं सो दट जैस नो बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि फैल्कन के जो टॉप हैं वो अकेले कैसे फाइट ले पाएंगे इस सिचुएशन में उ टू नॉट पैनिक एंड टेक अप द फाइट बेसिकली स्पॉटेड ऑन वन प्लेयर काफी आराम से उन्होंने स्पॉट किया तो प्रेशर तो उनके ऊपर डाला जाएगा थर्टी बुलेट्स है इनके पास तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसे में है नहीं एंड ऐसी वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल ही अंडरस्टैंड नॉ यू सी द चेंज ऑफ वेपन एक शॉर्ट गन है फॉर द क्लोज रेंज फाइट्स और एक ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज के लिए इनके पास एक एम पड़ी हुई है विथ जस्ट नो अगेन बिकम्स प्रेडी डिसाइट्स हिनोज के प्लेयर्स यहां पर आ चुके हैं ऐसे में साउंड सेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और उसी साउंड सेंस के ऊपर वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं बट देन यहाँ पर एक्चुअली अब तीन प्लेयर्स आ चुके हैं जबकि एक प्लेयर अभी भी पीछे है जो पूरा ध्यान खींच सकता है बटोर सकता है मीन कहीं और पर एक प्रॉपर फाइट हो रही है जिसके कारण एक टीम का एलिमिनेशन हुआ विच इज़ आर एस जी काफ़ी सही अब टॉप के ऊपर तीन लोगों ने रश किया है जिसमें से एक की एच कम है एंड दो प्लेयर्स प्रॉपर एच के अंदर आए हैं टू जस्ट गो फॉर द रश पूरा पूरा ध्यान कहाँ पर जाता है प्लेयर का अवश्य इस जगह पर जहाँ से वो प्लेयर्स को देख सकता है फॉर द फाइट्स फॉर द सिचुएशन जो बहुत ज्यादा प्रॉपर हो जाता है नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू दिस फाइट अब यहाँ पर फाइट लेने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा कुछ है नहीं एक यहाँ से आपको प्लेयर्स देख सकते हैं वो है अगर आपने यहाँ टीपीपी एंगल लिया तो आपके पास विजन बनेगा ये है जो काफ़ी बेसिक और काफी सिंपल है फॉर ऑल दीज फाइट्स और यही चीज हो रही है शॉर्ट गन बिकम्स वेरी इफेक्टिव एचपी इनकी थोड़ी सी कम है बट स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि एक प्लेयर को डाउन कर दिया अभी पूरी फाइट वन बी टू हो चुकी है जिसमें एक और प्लेयर को ये देख चुके हैं जिनका आपको और मुझे पता है एचपी कंपेरेटिवली कम है प्रेशर उनके ऊपर डालने की कोशिश हो सकती है बट देन दिस इज द नेक्स्ट प्लेयर जिसके खुद के हाथ में शॉर्ट गन थी बट एक ड्रॉप शॉट जो कि हमने देखा जो काफ़ी सही था लुक एट दिस अगेन यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन किया एंड देन ही शिफ्ट इज एंटायर फोकस क्योंकि शॉर्ट गन में ऑब्वियसली एम भी खत्म हो चुका है एंड हेयर कम्स द ड्रॉप शॉट विच वॉज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लेयर यहाँ पर आपको दिख चुका है सो विल गो फॉर द ड्रॉप शॉट जो कि लिया गया एंड उस ड्रॉप शॉट के चलते इस प्लेयर को भी डाउन किया काफ़ी आराम से डाउन किया गया ना ट ऑफ इसी कम्स डाउन की टॉप की एच पी थोड़ी सी कम है बट देन ही नीड्स अ बैकअप जो कि बैकेंड पर आ रहा है यू गैस केन सी हेयर की ये जो बैकअप है ये पीछे से आना शुरू हो चुका है विच अगैन यू नो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप ने बहुत सही फाइट ली है बट यहाँ पर इनकी एच पी कम हुई हुई है प्लस एम ओ भी कम है सो इज रिलोडिंग एक ऐसे एंगल पर जहाँ से टी पी पी एंगल नहीं हो सकता राइट right? कोई भी टी पी पी एंगल नहीं देख सकता मतलब कोई आपके ऊपर शॉर्ट नहीं ले पाएगा यहाँ से इन्होंने अपने पूरे एमो को रिलोड किया एंड इज ट्रेंट टू बिल्ड अप दैट प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिचुएशन में अब ऑब्बियसली क्योंकि डी के दो बंदे डाउन हैं तो चौथे प्लेयर को भी आना पड़ेगा तीसरा ऑलरेडी फाइट में है तो चौथा प्लेयर भी अंदर एंटर कर चुका है बट वट दे फॉरगॉट इज कि भाई बैकअप भी सही टाइम पर आ चुका है पीछे वाले घर में ये जो घर है इसके पीछे पूरा का पूरा बैकअप है सो so, अगर टॉप अब सब बंदों को बुलाते भी हैं सो दे हैव एन वेरी दे अ वेरी ओपन विंडो जिससे वो आकर के फाइट ले सकते हैं ये तो चलो बेसिक सी चीज़ थी एंड ऑब्वियसली एक और प्लेयर को डाउन किया जा चुका है अब बचता है एक आखिरी प्लेयर जिसकी एचपी कम है और यहाँ पर काफी आराम से बैकअप आकर के फाइट टेक डाउन कर सकते हैं उन्होंने तो देख लिया आखिरी प्लेयर को कहाँ पर है वो लास्ट प्लेयर किस तरीके से फाइट लेनी है और uh, बहुत ही आराम से फाइट ली जा सकती है एंड दैट इज द बैकअप अराइव्स एंड दिस इज हाउ यू टेक एन इंडिविजुअल फाइट विच इज ऑलवियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो नॉट टू पैनिक राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वेट फॉर द बैकअप विच अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीप योर कंपोज नॉट टू पैनिक के अंदर ही आता है सो so इस तरीके से आप बड़े ही आराम से वन ऑन फोर बैटल ले सकते हो अगर आपके बैकअप को आने में टाइम है तो